राजस्थान की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। चर्चा है कि यहां सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर कुछ डामाडोल होने जा रहा है। गहलोत पर सियासत का शनिचर लगने वाला है और चर्चा ऐसी भी है कि उनके सीएम की पदवी भी उनसे छिन सकती है। इस बात की संभावनाएं बेहद प्रबल बताई जा रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसे लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि आलाकमान राजस्थान में राजपूत, जाट और गुर्जर के समीकरण को बैलेंस करने के लिए सभी वोट बैंक्स को फील गुड कराना चाहती हैं। ऐसे में गहलोत की सीएम पद से छुट्टी की बातें जोर पकड़ रही हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच राजस्थान में कांग्रेस की खेमेबंदियों के दूसरे नेता सचिन पायलट के सीएम बनाए जाने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। गुरुवार को उन्होंने अचानक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन तमाम बातों, कयासों और संभावनाओं के बीच सोनिया से हुई उनकी मुलाकात को एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भीतरखाने इन दिनों जो तमाम रणनीतियां गाठी जा रही हैं, राजस्थान में सीएम पद का संभावित फेरबदल भी उसी का हिस्सा है। गौरतलब है कि हाल ही में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस की मजबूती के लिए तमाम तरह की रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। वे राज्यवार तरीके से कांग्रेस के प्रभाव को जनता के बीच बढ़ाने और पार्टी में आंतरिक एकजुटता को लेकर भी इन दिनों 10 जनपद पर धड़ाधड़ बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से कदम फूंक फूंक कर रख रही है। यहां जातीय समीकरणों को बनाए रखने के लिए सोनिया कोई बड़ा फैसला लेने से भी नहीं चुकेंगी। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर खूब खींचतान देखी गई थी, जिसे उस वक्त तो किसी तरीके से शांत करा लिया गया था, लेकिन सीएम न बन पाने की कसक सचिन पायलट में रह गई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस के कई युवा चेहरे जैसे जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह कांग्रेस पहले ही छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सोनिया बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि सचिन पायलट के तौर पर उनका एक और दमदार विकेट डाउन हो जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि अब राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।